जी लोग हमें कहते हैं कि शर्मा फैमिली कोई काम नहीं करती। हाँ। हम काम करते हैं, ऐसी बात नहीं, हम काम नहीं करते, लेकिन हमारा काम को सिरे चढ़ता नहीं बाजी है? हमने अपनी बुआ को ब्यूटी पार्लर खोल के दिया। हाँ। ब्यूटी पार्लर होता है लेडीज के लिए। एक ग्राहक नहीं आया, कंबख्त मारी ने बाहर लिख दिया ओनली जेंट्स आर अलाउड। और परी ये औरतों की जिंदगी मेकअप से शुरू होती, मेकअप पे ही खत्म होती है। मुझे तो पक्का यकीन है कि जब समंदर मंथन हुआ होगा ना, पक्का एक औरत निकल के पूछा होगा भगवान जी कोई लिपस्टिक निकली है। भगवान ने कहा भी नहीं लिपस्टिक तो नहीं निकली, जहर निकला है। ओके चलो जहर दे दो मेरे लिए ना, सही सास के लिए तो कुछ निकला। आपको पता है ये अफवाहें फैली हुई है कि दुनिया कैसे बनी, एडम ईव ये सब ऐसी बात है। असल में क्या हुआ, भगवान ने पहले आदमी बनाया नीचे भेजा, उसके बाद औरत बनाई नीचे भेजी, औरत फिर वापस, उसने फिर धकेला फिर वापस। भगवान के मन में पता नहीं क्या है ना, उसने आईना बना दिया, सारी औरतें वापस खुद बुक चली गई। जिन औरतों के पास आईना थी वो श्रृंगार में बिजी हो गई, जिनके पास आईना नहीं था वो परिवार में बिजी हो गई। खैर भाई हम लोग किसी का क्या मजाक बनाए, हमारा अपना मजाक बना हुआ। आपको पता काम तो हमारा चलता नहीं। मैं एक दिन आपको पता मैं सपेरा बन गया। मैंने खुद 50 रुपए का सांप खरीदा, लोगों घर में छोड़ देता था बिना जहर वाला सांप, फिर मैं निकालने के पकड़ने के 50 रुपए लेता था। एक दिन मैंने किसी घर में सांप छोड़ दिया, बीन लेके पहुंच गया, वहां देखा तो 3-3 सांप। अब मेरे को समझना है मेरे वाला कौन सा है। अब तीनों का तीनों सांप एक साथ मुझे ढुल्लू दिखा रहे हैं। अब मेरे को घर वाले कहे बाबा जी सांप पकड़ो, मैंने कहा बीन मेरे पास एक है मैं क्या करूं। अब मैं डरूं, अब मैं पीछे छुड़ा के बड़ी मुश्किल से भागा, बाद में पता चला मेरा वाला कोई भी नहीं था, वो तीनों को देख के मेरा वाला पहले निकल गया था। फिर मैंने सोचा फ्रूट की रेडी लगा लूं, मैंने फ्रूट की रेडी लगाई, एक आदमी आगे मेरे से लड़ने लगा, कहता भाई साहब ये अमरूद दिए आपने इसके अंदर तो कीड़ा है। तो मैंने कहा अमरूद में ही रहेगा कीड़ा, और क्या पेड रोड पे फ्लैट रह के रहेगा वो। वहां पे मार पड़ी पाजी, काम करूं तो करूं कौन सा। फिर एक जगह मैं रेस्टोरेंट में चला गया, वहां पे लिखा था लड़कों की जरूरत, मैं अंदर घुस गया, मैंने कहा जी बताइए इंटरव्यू लेने लगे, बोलते बताइए आप 30 मिनट में डिलीवरी कर दोगे। मैं कहा तेरा दिमाग खराब है वे, मैं आदमी ठहरा, मैं 100 साल लगा रहा हूं मेरे से डिलीवरी नहीं होगी। मैं अब बात कर रहा था अपने कामकाज की, जैसे हमारे सारे काम फ्लॉप हो जाते हैं लेकिन हम लोग कोशिश लगे रहते हैं। यहां पे भी हमारे कोई दोस्त होंगे जिनका काम जिन्होंने खोला होगा चला नहीं, कोई ऐसे हमारे दोस्त, आपका चलना भी नहीं है। हाय कपिल सर। हाय मैं दीपक पाटिल। क्या काम करते हैं आप, लंबे बाल रखने का? अच्छा जी, तो आप आपने कोई काम खोला आपका चला नहीं? सर मैं छोटा 7th स्टैंडर्ड में, तो तभी मैं राखी का धंधा करता था। राखी का धंधा? हाँ। राखी का धंधा मतलब कैसे? राखी बेचता था। राखी बेचते थे आप? हाँ। 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब? हाँ। आप उसके बाद में 4-5 साल ये धंधा किया, बाद में गजरे का धंधा किया। राखी से सीधा ही गजरा? गजरे। हाँ। वो काम चला नहीं? वो भी नहीं चला, वो बंद किया। फिर बाद में मैं सोचा कि अभी कम बजट में अच्छा धंधा खोलो, फिर सैलून का धंधा खोला। सैलून का? सैलून हेयर कटिंग। सबसे पहले अपने बाल काटे? हाँ, नहीं बाल नहीं काटे। तो सैलून का धंधा चला? नहीं वो भी धंधा नहीं चला। ओ सुन तू चल सकता है। आप एक काम करिए, आप पाठ पूजा किया करें, आपका वही धंधा फलेगा। अगर भगवान नाराज लग रहे हैं मुझे आपसे। शुक्रिया, थैंक यू, गुड लक, कोई ना कोई काम चलेगा, लगे रहिए। थैंक यू। ये शाहरुख खान आपके साथ आए? हाँ मेरा दोस्त है। ये दोस्त है आपका? एक तो अपनी उम्र के दोस्त बनाइए आप। और ये जो मैडम आई है ये भी आपके साथ आई है? ये जो शर्मा रही है बिना वजह, सिस्टर है मेरी। आपकी रियल सिस्टर है? हाँ सिस्टर है। माइक दीजिए उनको, सिस्टर को। हाउ आर यू? हाय। आप शर्मा क्यों रही इतना? नहीं मैं कोई नहीं हूँ, सिस्टर भी नहीं हूँ। तूने राखी का धंधा यहां भी चालू कर दिया। शुक्रिया, गुड लक। पाजी वैसे इन लोगों की तरह हमारे भी बड़े सारे काम फ्लॉप हुए, लेकिन इस बार जो मैंने काम सोचा है, 101% हम लोग अमीर होंगे ही होंगे। क्या सोचा फटाफट बता। हम बैंक लूटने वाले हैं। ओए बेटा, जो छलकता है घड़ा वो आधा भरा होता है, और सोना भी भट्टी में पड़ के ही खरा होता है। एक बात बता दूं तुझे कपिल शर्मा, आदमी पैसे से नहीं कर्म से बड़ा होता है।
मेरा भटूरे चने खाने को दिल करे, मेरे पास पैसे ना, मैं कहूं भाई आपको कर्म दे दूं तो मेरे को दे देगा? तो जहां पे पैसा काम आता है पैसा ही काम आता है। अबे चोर के घर में दिया थोड़ा ना होता है, तो चोर को क्या जरूरत है, जब पैसा कमा लिया था ना दिया क्यों जलाना, झूमर लेंगे बड़ा वाला। मैंने सारी फैमिली को बोल दिया है नए नए आइडिया लेके आओ, आज के आज हम लोग बैंक लूटने वाले हैं। ए कहां गए सब लोग? साहब जी, साहब जी, हमने सारी प्लानिंग कर लिया कि बैंक कैसे लूटना है। वाओ, मैं बताती हूँ। देखिए शर्मा जी, सबसे पहले ना हमें एकदम प्रॉपर रिहर्सल करनी होगी। Okay. मतलब शायद आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन एक बैंक जो होता है ना उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास होते हैं। तो तेरे को क्या डर, तू कौन सा कैमरा में पूरी आने वाली है? और दादी ये बुलडोजर साथ में क्यों शामिल कर लिया तुम लोगों ने? हमने बैंक लूटना है, बैंक तोड़ना नहीं हमने। और तेरे को पता है बैंक कैसे लूटना है? बैंक लूट के भागना भी होता है। एक मिनट शर्मा जी, एक मिनट, आप मेरे पड़ोसी हैं, इसके लिए मैं आपकी मदद करने आ गई, क्योंकि मुझे पता है कि कल अगर मुझे कोई शिप लूटनी हो तो समुद्री डाकू बन के आप मेरी हेल्प तो करेंगे ना? मेरी शक्ल क्या तेरे बाप से मिलती जो मुझे समुद्री डाकू बोल रही? तुम लोग चुप कर, जला दूंगी नहीं तो तुझे। बिट्टू तू क्यों वक्त जाया कर रहा है? मैं तो कहती हूँ चल रिहर्सल शुरू करते। एक काम कर, तू प्यून बन जा, तू सिक्योरिटी गार्ड बन जा, मैं बैंक लूटूंगी, और तू कोट पहन के आया ना तो तू बैंक का मैनेजर बन जा। चल, मैं बैंक का मैनेजर हूँ? हाँ जी। वो कौन है? प्यून। ठीक है, फिर डाका बाद में डाल दे। पीएन, फटाफट से एक गिलास पानी का लेकर आओ। फैल गया। क्या ले गया? तेरी शक्ल ना बैंक के खराब एटीएम से भी गंदी है तेरी। अबे तेरे से खूबसूरत तो बैंक के ताले होते हैं। क्या हुआ मेरे मुंह को? छोटे से बच्चे जैसे अब मेरा मुंह है। प्यारे से बच्चे जैसा मुंह, बच्चे जिनको दस्त होती है ना उनका मुंह भी तेरे से बेटर होता है। दादी तेरी सारी डायरेक्शन गलत है, तेरे को पता है? इसको तूने मैनेजर बना दिया। इसको मैनेजर मत बना, इसका जो बनता है उसको वही बना। तू मैनेजर बन, इसकी चौड़ाई के हिसाब से इसके मुंह पे कपड़ा डाले, इसको अलमारी बनाते हैं। दादी आपने मुझसे कहा था कि हम टीम बना के बैंक लूटेंगे, इसके लिए मैं आपके साथ आ गई। यहाँ पर ये मिस्टर शर्मा मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? शुक्र कर तेरा कुछ तो उड़ रहा है। ये तो आज तक तू ही उड़ाती आई लोगों का। आपको पता है सड़क पर चलती जाती ना इतनी धूल उड़ाती ना, पीछे बस आ रही होती भी रुक जाती, कहते हो पहले पलक को जाने दो, मिट्टी उड़ाएगी शीशे पे पड़ेगी। और शब्द आपने कहा ना मिस्टर शर्मा, तो मैं यहां से चली जाऊंगी। ओके, शांत शांत, फिर से जला दूंगी नहीं तो। बिट्टू क्यों वक्त जाया कर रहा है तू? मैं तो कहती हूँ चल रिहर्सल शुरू कर देते, ठीक है? और तू थे गुस्सा मत कर, एक काम कर, तू सिक्योरिटी गार्ड के हेड बन जा। ओ वाओ, हेड सिक्योरिटी गार्ड? मेरे नीचे और कितने सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं? तेरे नीचे कोई नहीं, तेरे नीचे आगे मरना सिक्योरिटी गार्ड ने। सिक्योरिटी वाली तू है। और राजू तू बता, चोरी करनी है तेरे को बैंक में, कैसे करेगा बताओ? अच्छा मैं चोर हूँ, चोरी करनी है? हाँ। वेरी सिंपल, सबसे पहले मैं बैंक का दरवाजा खोलूंगा, फिर इधर उधर देखूंगा कोई भी नहीं है, फिर सारी कोल्ड ड्रिंक्स निकाल कर पी जाऊंगा। उसे बैंक नहीं फ्रिज कहते हैं। अच्छा फिर बैंक किसको कहते हैं? अबे बैंक जिसमें पैसे जमा होते हैं। तो हमें क्या पता है, हमें पैसे दिए हो तो हम कभी जमा करवाएं? पाजी मुझे तो ये भी भूलता जा रहा है कि नोट पर अमिताभ बच्चन साहब की फोटो कैसी है, वो चेयर पर बैठे हैं या बालकनी में खड़े हैं? अबे गांधी जी पागल है, नोट में बच्चन साहब की फोटो नहीं, महात्मा गांधी जी की फोटो होती है। हैं, महात्मा गांधी की होती है? तो वो संजय दत्त वाला नोट कौन देगा बिट्टू? लाना था तुम लोगों पे, अब तुम लोग क्या बैंक लूटोगे? तुमको तो ये भी नहीं पता नोट पे किसकी फोटो होती है? ओह माय गॉड, ये कितनी इलिटरेट फैमिली है आप लोगों की। मिस्टर शर्मा आप प्लीज कहीं से 500 रुपए का उधार ले आइए और अपनी फैमिली को दिखाइए कि 500 रुपए का नोट दिखता कैसा है। नोट छोड़ो, मैं तो ये कहता मुझे सिक्का दिखा दो, मैं ये देखूं वो गोल होता है कि चकोर होता है। मैंने तेरे थप्पड़ मार रहा खींच के, मैंने तेरे को बैंक लूटने का आइडिया पूछा, तू फालतू बकवास कर रहा है। साहब जी बात तो सुन लो, एक आइडिया है मेरे पास। क्या? डारी मैनेजर है ना? हाँ। मैनेजर को बंदूक दिखाकर हम बैंक लूट लेंगे। और बंदूक कहाँ से लाएगा? वो बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है ना, उसको बोलेंगे वो देखो बंदूक, हम बैंक लूटने दो, हम बैंक लूट लेंगे।
दो रुपए थे मुंह तेरे। राजू तूने कभी एक मिनट में 5500 थप्पड़ खाए? एक मिनट। इनके आइडिया एकदम बेकार है, एकदम बकवास है। आप मेरा आइडिया सुनिए। हम क्या करेंगे, हम पीछे के दरवाजे से जाएंगे और बैंक लूट लेंगे। तेरे को क्या लगता है तू अपना पीछे वाला हिस्सा ज्यादा यूज करती तो हर जगह पीछे वाला दरवाजा होता? अबे जरूरी नहीं होता बैंक में पीछे वाला दरवाजा हो। अरे तो मैं बैंक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो घर की बात कर रही हूँ। हम घर के पीछे के दरवाजे से जाएंगे और बैंक लूट लेंगे। एक काम कर, जब बाथरूम जा, अंदर 15-20 मिनट लगा, तेरा दिमाग हल्का हो, तेरे गैस चढ़ी हुई है। ये भैंस के दिमाग वाली, इसका दिमाग नहीं चलेगा। मेरे को लगता है बैंक मेरे को लूटना पड़ेगा यार। पतंग आपसे लूटी नहीं जाती, बैंक खाके लूटोगे आप। ये सब छोड़ो, बकवास बंद करो, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। एक काम करती हूँ, मैं ही जाकर बैंक लूटती हूँ। वो कैसे लूटेगी तू? बड़ा सिंपल है, फर्ज कर तू बैंक का मैनेजर है। हाँ। हाँ, तो मैंने तेरे पास आना है, तुझे डराना, फिर सारे पैसे लेकर चले जाना है। अच्छा मैं डर भी गया। बात है। और फिर जब सिक्योरिटी गार्ड आपके पीछे आएगा, खड़ा होगा, आपको बंदूक दिखाएगा और कहेगा हैंड्स अप, फिर क्या करेंगे आप? फिर तो और सिंपल, इन्होंने हैंड्स अप करना है, इधर से फिर खुशबू का जब आगमन होना है, सारा बैंक बेहोश। क्या बकवास की तूने? इस बार तुझ पर बुझाने ताजी मारना नहीं, मेरे को 5 मिनट दो, अभी मैं अच्छा सा आइडिया लेकर आता हूँ। ठीक है, अभी आता हूँ। नो, मुझे लगता है मुझे भी चले जाना चाहिए। आप लोगों से कुछ नहीं होगा, कोई आइडिया तो आपके दिमाग में आ नहीं रहा। आप लोगों को पता ही नहीं है कि बैंक को लूटते कैसे हैं। अरे किसको बता रही है तू? तुझे नहीं पता कितने बैंक लूट लिए मैंने? कल ही की बात है, गुप्ता जी के बेटे ना, उसका बैंक लूट लिया मैंने। रोने लग गया था वो। ए बुढ़िया दादी, तेरे का तेरा दिमाग खराब है। उसको बैंक नहीं पिगी बैंक कहते, बच्चों का बैंक लूटती, तेरे को शर्म नहीं आती? ये क्या हो रहा है, आप लोग पिगी बैंक लूट रहे हैं? मैं कहती हूँ कि रिहर्सल वियर्सल छोड़ देते हैं, हम सब चोर बनते हैं और जाके बैंक को लूटते हैं। चलिए डायरेक्ट लूटते हैं। साजी साजी साजी, आइए आइए साजी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं ये बंदे ढूंढ कर लाया हूँ, ये बैंक लूटने में हमारी मदद करेंगे। क्या बात कर रहा है, कहाँ मिले ये लोग? ओह साहब जी, कहाँ क्या मिले, शहर में इनके होर्डिंग लगे हैं, फिर किसी भी तरह की मदद के लिए हमें फोन कीजिए। मैंने डायल किया, ये अपनी जीपें और बंदूक लेकर इधर आ गए हैं। क्या बात है, बंदूकें भी अपनी जीपें अपनी? अरे वाह वाह वाह, आप अपना नंबर लिखाइए हमें। हाँ लिखिए लिखिए। क्या नंबर है? 100 नंबर। कोई एक बताइए, 100 नंबर कौन कौन ट्राई करता है, कोई एक बताइए। डायल 100। 100, ये तो पुलिस वाला नंबर रखा हुआ सेम आपने। हम पुलिस ही हैं, सिविल ड्रेस में आए हैं। एक सेकंड, 2 मिनट बात तो सुने। आप कुछ लेंगे? आप हम चाय लेंगे, आप कुछ लेंगे? हम तो फिर भाग ही लेंगे। सिद्धू भाजी कहाँ गए यार? सारा दिन कॉमेडी नाइट्स में बैठे रहते, फिर भी 10 से 11 गायब हो जाते हैं। इतनी बैठ के देख लेते, टीवी भी देखने गए, बताओ। खैर, आप लोग सोच रहे हो कि मैं महाराजा बनके क्यों घूम रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे क्वीन आने वाली है। तो मैंने सोचा अगर क्वीन आ रही है तो हम क्यों ना क्वीना बन जाए, महाराज बन जाए। सितारों में ये हंसी आग लगा दे, हम चाहें तो फितरत का हर एक जख्म सजा दें, ये दुनिया बड़ी नफरत से हमें देख रही है, आओ इसे हम प्यार का अंदाज सिखा दें। क्या बात है पाजी, मतलब लड़की देखनी पार्टी बदल दी आपने?
जिंदगी में आज तक कभी अपनी कुर्सी छोड़ के नहीं गए, आपको लेने मतलब घर तक चले गए, क्या बात है सिद्धू पाजी। ये जो पिछले एपिसोड में आए थे ना उसकी रंगत अभी तक चढ़ी हुई है, बुखार उतरा नहीं पाजी। ये क्या पाजी, ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए, सुरक्षा कवच हूं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिद्धू जी को कहा था कि कपिल बहुत फ्लर्ट करता है और मेरी सुरक्षा के लिए, मेरी सेफ्टी के लिए मेरे साथ चले। नॉटी बॉय। तो सिद्धू जी तो आपको मेरे से बचा लेंगे, सिद्धू जी से आपको कौन बचाएगा? ये देखो जी, जंगल में शेर सामने आ जाए, कोई पूछे अब क्या करोगे, फिर जो करेगा शेर करेगा, ठोको ताली। चलिए शुक्रिया पाजी, आप हमारी क्वीन को यहाँ पे लेके आए, आप अपने सिंहासन पे पधारिए। मुझे तो भगाएगा ही तू, आप उसको संभालिए। अब देखिए, मुझे लगा था कि क्वीन आने वाली है तो उस हिसाब से मैं राजा बन गया, तो अब ये शेरवानी का पैसा तो मैं वसूल करूंगा, इस शो का प्रोड्यूसर भी मैं ही हूँ। आप तो लकड़ी की बकरी से भी दूध निकालते हैं। इसका पैसा तो वसूल करेंगे ही। आप थोड़ा ना शेरवानी का पैसा ऐसे जाने देंगे? तेज हो गई हो। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि साल में एक फिल्म से ज्यादा कंगना करना नहीं चाहती, लेकिन ज्यादा इसलिए कर रही है, शी वॉन्ट्स टू मीट मी यार। एनीवेज, हमारी कंजूसी और कंगना के सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जोरदार तालियां। पिछली बार जब आप आई थी तो थोड़ी मिस हैपनिंग हो गई थी, हमारा घर जल गया था, तो आप हमारे गांव वाले घर में आई थी तो हमारा सरपंच लुट गया था उस समय। इस बार आप शहर वाले घर में आई हैं तो यहाँ का एमपी भी लुट रहा है आज। बाल देखिए, आप लाल हो रहे हैं। उस समय गाल कश्मीरी सेब जैसे लाल हो गए, आज तरबूज जैसे अंदर से उतरा, पूरा लाल सूख गए पड़े पाजी। पाजी आपका कुछ खास मतलब प्यार है कंगना के साथ ना? मैं तो लाल हूं, तू क्यों काला हो जा रहा जल भून के? एनीवेज, यू मिस्ड मी? नहीं, मुझे सिद्धू जी की याद आई, क्योंकि सिद्धू जी जेन्युइनली मुझे पसंद करते हैं, और आपका मैंने जो भी शो देखा है किसी भी हीरोइन के साथ यही सब बातें। ऐसे फ्रॉड आशिक बहुत होते हैं, लेकिन एक सच्चा चाहने वाला बहुत कम होता है। दिल तोड़ दिया यार। तो सिद्धू पाजी आपको दिल से चाहने वाले लग रहे हैं जी? कोई शक? कर लो कर लो, वो तो अब अमृतसर जाओगे तो पता चलेगा आपको। कंगना, क्योंकि मैं आज आपके लिए राजा बना हूं तो आपको थोड़ी देर के लिए मेरी रानी बनना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे समझ लो राजा का दिमाग खराब, पागल राजा की रानी बनी हुई हो। ओके, पागल राजा। और आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारे राज्य पे हमला हो गया। ठीक है ठीक है, फूल मुझे दे दो, मैं राजा बनना। ओके महाराज, महाराज दुश्मनों ने हमला कर दिया है। हमले तो होते रहते, दो मिनट बात तो सुनते रहो। अरे दुश्मन ने हमला कर दिया महाराज। दुश्मन, एक काम करो, आप यहाँ छुप जाओ, मैं आपको अंदर लेके छुप जाऊंगा। छुपन छुपन तू हो जाता है। महाराज, ये मजाक का वक्त नहीं है। अरे इस समय मजाक का ही वक्त है, 10 से 11 कॉमेडी नाइट्स। दुश्मन दरवाजे तक पहुंच गया है। दरवाजे तक पहुंच गया तो उसको बोलो हम घर पे नहीं है, कॉल वेटिंग। Tell him to come somebody else. वो चंदा लेने नहीं आया, वो दुश्मन है। चंदा लेनी है, चंदा मिल, ले भी नहीं सकता ना, चंदा तो कहीं भी गांव गई है। एक काम करें, उनके साथ मुन्नी शीला को भेज दिया जाए। आपका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग किसी का खराब नहीं होता महारानी, हमेशा इंसान का वक्त अच्छा और खराब होता है। ये सब मेरा वक्त खराब है, तुम्हारे साथ एक्टिंग करनी पड़ रही है। अगेन हट क्या यार। बट एनीवेज, मेरी शेरवानी के पैसे पूरे हो गए, अब बाकी की बातें तो करते रहेंगे। ये मेरी दादी का पेटीकोट एक्चुअली, वो ऐसे करके पहनती है। बातें तो होती रहेंगी, कंगना आई है मेरी फेवरेट, तो कंगना बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉमेडी नाइट्स में, दोबारा फिर से आइए प्लीज, यहाँ पे विराजमान होइए, जोरदार तालियां कंगना के लिए। ले ले लुखे, तेरी बड़ी नजर थी ना इस पे, ये ले। कंगना, मैं आपसे एक बात पूछनी चाहता हूँ। जी। कोई भी एक्टर जब किसी एक्टर के साथ दूसरी या तीसरी फिल्म करता है
एक फिल्म करने के बाद, तो लोग कहते हैं कि उनकी केमिस्ट्री बड़ी जम रही है। तो आप कॉमेडी नाइट से दूसरी बार आई हैं, तो मैं इसको क्या समझूं? हमारी कुछ जम रही है? हमारी केमिस्ट्री तो जम रही है, लेकिन सीरियसली जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ और इंडिया में जहाँ भी जाती हूँ, तो आजकल मेरी फिल्मों से ज्यादा लोग मुझे कहते हैं कि हमने आपको कॉमेडी नाइट्स पे देखा। ओ, रेली? तो ये इतने पॉपुलर हो गए हैं। वाह, दिल खुश कर दिया यार। मतलब केमिस्ट्री जम रही है भाजी? बहुत ज्यादा केमिस्ट्री जम रही है। ज्यादा ही केमिस्ट्री नहीं जम रही यहाँ पे? इसका स्टाइल देखो, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री जम रही है। अब केमिस्ट्री तो उसी के साथ जमेगी ना जिसकी फिजिक अच्छी हो। तू अपनी योग्राफी देख, तू केमिस्ट्री छोड़, तू कुल्फी जमा जा जाके, दही जमा। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि इस फिल्म में जो है आपकी शादी टूट जाती है, तो शादी टूटती कैसे? मतलब क्या अब शादी टूटने के आइडियाज ले रहे हैं? पाजी, मैं समझ गई, मुझसे शादी तोड़ के इनसे शादी करने की सोच रहा है। ये औरतों का प्रॉब्लम यही है, आदमी जब बुरा सोचे भी ना, ये आइडिया दे देती। अब आइडिया आ गया मेरे दिमाग में। आइडिया मैंने दिया, मतलब एक सेकंड, आइडिया मैंने दिया तो ये शादी की शेरवानी यहाँ कैसे आई? वो तो मैं राजा रानी का ड्रामा कर रहा था। मैं राजा रानी का क्यों, भाई बहन का ड्रामा नहीं कर सकते आप? तेरा तानपुरे जैसा मुंह है, तू बात भी मनहूसी करेगी? तू राजा रानी का भाई बहन का ड्रामा क्यों करूं मैं उनके साथ? अरे वो मतलब कॉमेडी आती है ऐसे, राजा रानी का कुछ करते हैं तो। तू मुझे रानी बना लेते। मातम वाली शहनाई जैसा तेरा मुंह रानी बना लेते तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत फहमी है कि मेरी शादी टूटी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी फिल्म ही पूरी शादी पे बेस्ड है, तो शादी कैसे टूट जाएगी मेरी? हाँ, वही पूछ रहा। और मैं हनीमून पे भी जाती हूँ, और है मेरे जो बॉयफ्रेंड हैं वो भी यही कहीं आए तो थे, लेकिन वो शायद आपके साथ थे ना? नहीं, वो आएंगे। अच्छा, वो आएंगे। ये मेरे बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है वैसे। तो घूमने तो क्या फर्क पड़ता है? कंगना, आप ही नहीं समझा, इन्हें तो मेरे अंदर का प्यार दिखता ही नहीं है। आप इनके अंदर प्यार क्यों नहीं ढूंढते? मैंने ढूंढा था, पत्थरी निकली, प्यार निकला ही नहीं। और ये कोई 5-bedroom फ्लैट थोड़ी ना ढूंढनी पड़ेगी, बालकनी जैसी है, बाहर से दिख जाती, नहीं कोई प्यार व्यार नहीं, ऐसे जस्ट मेरी पार्ट टाइम वाइफ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आपको मेरे अंदर का प्यार नहीं दिखता, तो मुझे भी मेरा राजकुमार कहीं और दिख सकता है। ओ, जा चिक्की खा जाके। राजकुमार दिख सकता है, तेरा कौन सा राजकुमार? बुला लूं? बुलाना। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। माइंड योर ओन बिजनेस ना बेबी। पाजी, मुझे बहुत शक हो रहा है, आज तो कुछ होने वाला है। व्हाई आर डिस्टर्बिंग लव बर्ड्स? शर्मा जी, बिहेव योरसेल्फ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैंने आपको कहा था ना क्या? कि ये मेरे बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। इतना बड़ी बड़ी मूंछ वाला बॉयफ्रेंड रखा मैं, मेरे को का नहीं, मूंछें तो हो गई इनके इंतजार में हैं। मतलब हमारी शादी तय हुई है, अकेली हनीमून पे निकल गई। हाँ, ये स्टेशन पे वेट करता रहेगा। तुमने एयरपोर्ट पे आने के लिए कहा? अरे, मैं स्टेशन बोला था मैंने यार। देखा, मतलब किसी का भरोसा नहीं है मुझे। पर एक काम आज मेरी बीवी ने बड़ा अच्छा किया, मेरी हेल्प की इसने इंटरव्यू में, आज राजकुमार को इन्वाइट किया। शाबाश, वेरी गुड, कीप इट अप। जा बाकी, जा चाय ले गया। शर्मा जी, क्या है, आपको नहीं लगता मेरी एंट्री कुछ ज्यादा छोटी हो गई आज? अपनी हाइट देख, उस हिसाब से बहुत लंबी एंट्री हुई तेरी। देखिए, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। हाँ, मैं वही तो, तेरी प्रॉब्लम, तू मजाक नहीं करती, मजाक करती हूँ, तेरी एंट्री लंबी रखते हम। कंगना जी, एक बार समझा दीजिए इसे। समझाओ ना कंगना। अरे आप मुझे भी सब सकते हो तुम। अरे आप दोनों मिलकर क्यों नहीं रहते? जब देखो सबको हंसाते रहते हो, अपनी बीवी को रुलाते रहते हो। She understands. अच्छा? देखिए, हम राजा हैं। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। और यहाँ पे तो केस ही गलत है बाजी।
कंगना तलवार, ये नेल कटर। जा, जा जा के अंदर जा, इसका मत कर। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। सुनो बेबी, सुनो, बात सुनो, इधर आओ, ऑटो कर लेना। और खुद नहीं चलाना, उसको चलाने देना, ठीक है? पीछे बैठना, आगे मत बैठना ऑटो। कंगना और राजकुमार के लिए जोरदार तालियां। राजकुमार, आपका ये कॉमेडी नाइट्स में आज पहले दिन आना हुआ है जी। राजकुमार ने अब से पहले जितनी फिल्में की हैं, रागिनी, एमएमएस या लव बीप और धोखा, तो ये जो फिल्में होती हैं, ये मतलब ये आपकी अपनी मतलब खुशी से आप करते हैं ये कि प्रोड्यूसर करवाते हैं आपसे? मतलब प्रोड्यूसर ही करवाते रहते हैं, मतलब उनको लगता है कि ये लड़का सीधा सा लगता है तो इससे ऐसा काम करवाएंगे तो लोगों को बड़ा मजा आएगा। अच्छा, तो कुछ कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। तो ये रागिनी एमएमएस ने जो किया वो सीधे लड़कों वाला काम था, मतलब मैं सीधा हूँ तो काम ऐसा करवाते। तो राजकुमार का कहना कि सीधे लड़के हैं, मैंने रागिनी एमएमएस देखी है भाई साहब। आपने कायपोच नहीं देखी? मैं कायपोच भी सीधा हूं मैं। वहां पे बहुत सीधे थे रागिनी एमएमएस में जो आपने, मतलब वो तो भूत ने आपको आपकी चलने नहीं दी, नहीं तो आपने कोशिश तो बड़ी की। हाँ सही बात है। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं? अरे कंगना, राजकुमार राव, अरे बाबरी, मैं क्या असली में देख रही, क्या ओरिजिनल? जी बिल्कुल, ये ओरिजिनल है। ये तो मेरा बचपन से। इतना सजदर के कहाँ जा रही रोजी? अरे बाबा, मैं हनीमून से आ रही है, हनीमून पे गई थी, कितना एंजॉय किया। एंजॉय बोलेगा तो मजा, मजा बोले तो एंजॉय। मैंने इतना किया, इतना किया। और खास बात क्या मालूम है, मैं हनीमून को अकेले गई थी, मेरा हस्बैंड नहीं गया था, लेजी। आंटी, आपके साथ जो भी हनीमून मनाएगा ना, उसका बेड़ा गर्क तो पक्का ही है। तुमको चलने का हनीमून? क्या तुम्हें बिना हस्बैंड के हनीमून हो गया ये? अरे बाबा, हनीमून पे अकेले जाना अभी लेटेस्ट फैशन है, मार्केट में यही चलते हैं। अभी हस्बैंड वाइफ साथ साथ नहीं जाते हनीमून को, तुमको नहीं मालूम ना, पिछड़े लोग। अरे बाबा, लेटेस्ट मार्केट में यही चालू है। कंगना को पूछो, अभी भी हनीमून पे अकेली जाके आई है। अच्छा कंगना, झूठ नहीं बोलने का, झूठ नहीं बोलने का। एक एक बार सच्ची बोलना, हनीमून पे अकेले गई थी, मजा किया? मजा बोले एंजॉय, एंजॉय बोले तो मजा। बहुत मजा किया, किया ना सच में। वैसे मैं क्या बोलती है, हनीमून पे अकेले जाने का ये सिस्टम नवा नहीं है, ऐसा मत समझो। समझे ना, ये जहाँ हनीमून पे अकेले जाने का सिस्टम एक्चुअल पूछेंगे, तो मेरी फैमिली में दादाजी के टाइम से, मेरे दादा दादी का शादी हुआ था ना, वही टाइम पे इंडिया का पार्टीशन हो गया था, पार्टीशन बोले बंटवारा, बंटवारा बोले पार्टीशन, तो दादाजी हनीमून को चले गए पाकिस्तान, और दादी इधर थी इंडिया में, फिर भी वो टाइम पे 14 बच्चे हुए। ये तो झूठ है रोजी, ये कैसे हो सकता है, तो झूठ बोल रही है। ए, ऐसा कुछ भी मत बोल। तो बच्चे कैसे हुए फिर? बच्चे कैसे हो गए? कैसे नहीं होंगे, अपने अटल जी है ना, अटल जी ने पाकिस्तान से समझौता करके लाहौर और दिल्ली का बस चलाया था, तो दादाजी वही बस में बैठ के दिल्ली आते थे कुचिर कुचिर वापस। रोजी, तू डिस्टर्ब करने क्यों आई है? मैं क्या बोलती है, मैं बहुत डिस्टर्ब है बाबा, मेरा ना मेरी शादी में बहुत लफड़ा हुआ, खूबसूरत छोकरी का तो चलना बहुत मुश्किल है। क्या मैं ऐसे अपनी शादी में ऐसे बालकनी में ऐसे खड़ी थी, तो बारात आ रही थी तो ऐसे निकाल निकाल के ऐसे ऐसे देखती थी, मैं भी ऐसे ऐसे करती थी। तो बराती इतने हलकट रहे थे, एक बराती मेरे को देख के कहता है, हेलो हेलो, नाम क्या है? मैं भी शानी। मैं बोला मेरा नाम है दीदी दीदी। क्या वो हलकट क्या बोलता है, अच्छा तुम्हारा नाम दीदी है, मेरा नाम जीजा जी है। सुंदर छोकरी का बहुत तकलीफ है, किसी घर में सुंदर छोकरी है ना
उससे पूछो कितना संभालना पड़ता है, उसका कितना टेक केयर करना पड़ता है। ए रोजी, अभी तुम हमें भी तकलीफ दे रही है। क्या तकलीफ दे रही है? कुछ भी ऐसा बोलने का नहीं, समझा क्या? मैं तो खाली ये पूछने को आई थी। हेलो, कैसी, हाउ आर यू? मैं बहुत ठीक हूँ। आई एम फाइन, थैंक यू। मैं तो ये पूछने को आई थी कि जब तुम हनीमून के लिए अकेले गई थी तो जब वापस लौट के आई तभी तुम्हारा हस्बैंड मिला कि नहीं मिला? हाँ मिला। बस इसी खुशी में लेट्स सेलिब्रेट। सेलिब्रेट बोले तो एंजॉय बोले तो मजा चालू करने का मजा। ए तुम भी मजा करने का? हाँ कर रहा हूँ, मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ। ये तो ऐसे ही मोहल्ले वाले परेशान करने आ जाते हैं, लेकिन आपके जो असली फैंस हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप तो आए भी पहली बार है राजकुमार। और कंगना, पिछली बार जब आप आई थी तो शहर से बाहर हमारा घर बना हुआ था, लेकिन आज यहाँ पे आपके फैंस पूरे भर भर के आए हुए हैं। जी हाँ, आप कंगना और राजकुमार से अपने दिल की बातें कर सकते हैं एक एक करके। कौन पहले आ रहे हैं? खोलो दिल के किवाड़। नमस्कार कपिल सर। नमस्कार सिद्धू पाजी। मेरा सवाल है कंगना मैम से। उनको नमस्ते तो करो पहले। नमस्ते कंगना। नमस्ते सर। मेरा सवाल है आपसे कि मैम आप बैठ सकते? अच्छा ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ रियल लाइफ में आपका किंग कौन है? आप क्यों जानना चाहते हैं? आपको कोई लेना देना नहीं सर। कन्यादान करना है? प्लीज कंगना डोंट टेल, मेरे बारे में कुछ नहीं बताना। देखिए आप, अब इन्होंने खुद ही मना कर दिया तो कैसे, मैं कैसे कहूं? किसी और का नाम ले दो, किसी और का। आपका किंग से क्या मतलब है? कि किंग से मतलब क्या मतलब? मैं आपका बॉयफ्रेंड या आपके होने वाले हस्बैंड, कोई भी जो आपको, जो आप सबसे ज्यादा लाइक करते हैं। जिसे मैं सबसे ज्यादा लाइक करती हूँ? जिसे हम लाइक करते हैं वो कहाँ मिलता है? लेकिन आप तो क्वीन हो, आपको तो मिल सकता है, राइट? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका सेम ही हाल है। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप शादीशुदा हैं? नहीं सर, मैं पढ़ रहा हूँ अभी, हिंदुजा कॉलेज से बीएमएस कर रहा हूँ। हाँ तो जिस भी कॉलेज से कर रहे हो पढ़ाई पे ध्यान दो, लोगों के राजा रानी मत बनना। गर्लफ्रेंड तो नहीं है कोई? नहीं सर, सर छूट गई सर। अपनी छूट गई, लोगों के बारे में पूछ रहे हैं सर। चलिए सर, छूट गई, सर छूट गए तो दूसरी ट्राई कर रहा हूँ सर। छूट कैसे गई? मतलब ट्रेन में बैठी हुई थी, पकड़ नहीं पाया कैसे? ये गर्लफ्रेंड थी कि शराब थी छूट गई? दोस्तों के साथ आए? सर मेरे कजन के साथ आया हूँ सर, दोस्त और कजन। अच्छा, कहाँ है कजन सारे? सर ये सर। हाउ आर यू कजन? ऑल गुड। सब पढ़े लिखे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं सबके? है जी। आप भी सर? सब MBA कर रहे हैं। ये भी पढ़ रहे हैं? सही से बताना कितनी बार फेल हुए हैं आप? पहले पास तो हो जाऊं हैं? अरे माइक की टोपी, माइक छूट गया। आप भी पढ़ रहे हैं अभी? हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो यार, क्यों पढ़ी जा रहा है? सर कुछ ज्यादा समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो आप सब एक ही, मतलब आप भी MBA कर रहे हैं? नहीं सर, सर CA कर रहा हूँ। आप CA कर रहे हैं? और ये भाई साहब? सर आई एम डूइंग MBA। अच्छा, आप इंग्लिश में MBA कर रहे हैं? और ये भाई साहब? जॉब ढूंढ रहा हूँ। आपकी MBA हो गई? नहीं सर। आपने की नहीं? करूँगा सर आगे जाके। यार लोग MBA करके नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी करके MBA करेंगे क्या? मतलब मैं समझा नहीं। चलिए अच्छी बात है ब्रदर,
गुड लक फॉर योर फ्यूचर. पढ़ाई लिखाई करिए. शुक्रिया शो में आने के लिए. और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब. हाय सर, मेरा नाम पवन सिंह है और मैं विठलवाड़ी से आया हूँ. एक आराम से, ट्रेन है क्या हुआ? जी सर, क्या नाम बताया आपने अपना? सर मेरा नाम पवन सिंह है. अच्छा जी. मैं कंगना जी के लिए गाना मैंने कंपोज किया है और अच्छा. मैं चाहता हूँ कि सर आप जो है रोमांटिक डांस करेंगे उनके साथ. हम लोग ने काफी देखा है कपिल सर को रॉकिंग डांस करते हुए. पर मेरे को डांस करते कहाँ देख लिया आपने? सर आप शो में डांस करते ना पीछे यो टाइप समथिंग. बात नहीं सर, पहले अपनी कंपोजिशन सुनाइए आप. सर मैं आपको डांस करते हुए देखना चाहता हूँ सर, प्लीज. भाई तुम्हारा ध्यान नहीं, इधर मुंह कर गाना गा रहे. जिस लड़की के लिए लिखा है उसकी तरफ देखो तो सही. कंगना तूने क्या किया? कंगना ने कुछ नहीं किया, आपने देखा नहीं उसकी तरफ. मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी केमिस्ट्री उनके साथ जमती है कि नहीं. अच्छा सर, ग्रेट चांस है, बहुत अच्छा चांस है. अच्छा आप मुझे ब्रेक दे रहे हैं. सर मैं डांस देखना चाहता हूँ आपका. आप रोमांटिक डांस कैसे करते हो? आपके एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ. कम ऑन कपिल सर. कपिल 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 कपिल. तो सर प्लीज, ये जो वर्डिंग है ना उस पे स्टेप क्या? कंगना तूने क्या किया, क्या करूंगा? सर वही तो देखना है. हाँ यस सर. सर वही देखना है सर, आप एक्सप्रेशन देखने सर. दोबारा मुझे लिरिक्स सुनाइए. कंगना तूने क्या किया, जिया मेरा ले लिया. अच्छा. नैनो में बसा के तूने नैनो को भिगो दिया. नैनो में बसा के नैनो को भिगो. नैना के वॉशिंग मशीन है तुम्हारे नैनो. ये क्या मतलब? लास्ट वाली लाइन ठीक करके लाइए, मैं बाद में. सर प्लीज एक बार पक्का भाई आपको डांस करके दिखाऊंगा. पर क्या आपका दिल कर रहा ना मुझे डांस करते देखने का? सर एक रैप कर दूं, आप उस पे कर सकते हो? कम से कम रैप पे तो कर दो सर, आज देखना चाहूंगा सर. पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन. हेलो पुलिस नहीं, मैं सीधे आतंकवादी बुला रहा हूँ. सर एक बंदा घुसाया है. जी हाँ, कभी मेहमानों को तंग कर रहा है, कभी हमें कर रहा है, क्या करें इसका. ठीक है सर, बाहर आए आप लेने आए आपको. मैं आपको डांस करके दिखाऊंगा बाद में. थैंक यू ब्रदर, पर आपने बड़ा अच्छा गाना गाया. थैंक यू, थैंक यू सर. जी और कोई राजकुमार से या कंगना से बात करना चाहते हैं? जी भाई आगे देखो इधर. हाय मैम. हेलो. हेलो सर. हेलो, मेरा नाम विवेक है, मैं पुणे से आया हूँ. अच्छा जी विवेक, मेरा क्वेश्चन राजकुमार सर जी से. जी मैंने राजकुमार सर जी की मूवी देखी है, तो आप थोड़े से शर्मिले शाही टाइप के लगते हो, तो मैं यहाँ पे डांस करना चाहता हूँ. सर डांस करना चाहते हैं? या बिल्कुल बिल्कुल प्लीज. हाँ तो डांस करके आप थोड़ा सा खुल जाए, इसके लिए मैं थोड़ा सा डांस करना चाहता हूँ. आप इनको खोलना चाहते हैं, खुद खोलना चाहते हैं? सर जी को. सर जी को खोलना चाहते हैं? अरे वाह, आइए आइए. मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ कोई आवत है कोई जावत है, जो खुल के सामने आए वही मल्लिका शेरावत है. यस विवेक, कौन से गाने पे डांस करना चाहते हैं आप? कोई भी गाना सर. कोई भी गाना. कोई भी गाना? या इतना कॉन्फिडेंस? या ठीक है, लगाइए बहारो फूल बरसाओ.
थैंक यू विवेक, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू ब्रदर। बहुत ज्यादा ही खुल गया यार, छुपा रुस्तम निकला यार, तू तो छुपा रुस्तम। इन्होंने मतलब तीन पीढ़ियां दिखाई आपको पता है, एक ही डांस में बीच में एक स्टेप इन्होंने ये भी किया था ना, वो वाला पहले कोयले वाले इंजन आते थे ना, कोयले वाली गाड़ियां भर भर के ऊपर फेंक रहे। फिर बीच में इन्होंने समाज को संदेश भी दिया कि दान पुण्य करना चाहिए। जो है आप दे दो सामने वाले को। चलिए बड़ी अच्छी बात है ब्रदर, आपने बड़ा अच्छा डांस किया। थैंक यू सर, ऐसा बोलना पड़ता है। थैंक यू विवेक। और कोई हमारे दोस्त? थैंक यू जी। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो सर, मेरा सवाल सिद्धू पाजी से है। जी अबे मेहमान वो है, लेकिन आज आपसे पूछना है सर। ठोको सर, मैं चाहता हूँ सिद्धू पाजी थोड़ा कंगना मैम के साथ थोड़ी डांस कर ले, थोड़ी अब तैयार हो? तैयार हो? वंस अगेन सिद्धू पाजी एंड कंगना। ये मैं दिखवा रहा हूँ, जबरदस्ती डांस करा रहे हो यार बेचारी, वो इतना अच्छा डांस करती है और मैं बीच में रंग में भंग डालूंगा, क्या कर रहे हो यार तुम? मैं बड़ा एंबैरस हो रहा हूँ यार। नहीं नहीं नहीं, एंजॉय एंजॉय बाजी। अरे एंजॉय मतलब यस ओके। थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया जी। हाँ जी सर। नमस्कार सिद्धू पाजी जी, नमस्कार कपिल जी, नमस्कार जी, नमस्कार राजकुमार। सिद्धू पाजी ने आज जो डांस किया है बहुत अच्छा काम डांस किया है, मैं भी उनके साथ डांस करना चाहता हूँ। किनके साथ? अच्छा सर आइए आइए प्लीज। Okay. आइए बिल्कुल, आपकी okay. छोटी बेटी जैसे अंकल संभाल के रखना। आइए कपिल जी, एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। जी सर। कि आपको खारिज हो रही है? नहीं नहीं। अच्छा। एक क्या है, ये जो प्रोग्राम जो है आप ये लाफ्टर चैनल का जो है जो प्रोग्राम है आपका, ये जो कॉमेडी का है, तो ये एक मेडिसिन है और ये मेडिसिन आप 10 से 11 बजे तक ऐसा देते है तो आप सब सबकी तबीयत सुधर जाती है। अरे शुक्रिया सर। तो आप अकेले हैं? ना मेरे साथ है, मैं मेरा लड़का हूँ, मरीन इंजीनियर है। अरे वाह, हाउ आर यू? गुड। यस गौरव इज आल्सो गुड डांस। हाउ आर यू गौरव? यस आप डांस करना चाहते हैं कंगना जी के साथ? जी जी okay. ये आपके ट्रू फैंस हैं कंगना, आप इनको मना कर ही नहीं सकती। ओके okay. कंगना बहुत क्यूट है। आपको एक बात बताऊं, आपको यहाँ पे डांस करते देखना आपका बेटा बहुत खुश हो रहा था, मेरे पापा नाच रहे हैं आज कंगना के साथ। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ा अच्छा दिल से डांस किया आपने, और शुक्रिया हमारे जो गेस्ट हैं उनको एंटरटेन करने के लिए, हमें एंटरटेन करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।
पाजी आपको तो पता है हमारे घर में मुसीबतें आती रहती हैं, एक निकली इधर से दूसरी इधर से आ गई, लेकिन इस घर के ऊपर एक खास भगवान की कृपा, यहाँ पे अच्छे अच्छे मेहमान भी आते हैं, कंगना और राजकुमार जैसे, लेकिन यहाँ पे एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। विकास आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। थैंक यू। मैं आपको बता दूं पाजी, विकास एक पहले भी फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं, चिलर पार्टी, जो कि बहुत ही ज्यादा सराही गई, ये बच्चों को लेकर एक आपने फिल्म बनाई थी। आपकी तो एज बड़ी सर कम लग रही है। हाँ सर, तो जब आपने चिलर पार्टी बनाई थी कितने साल हो गए उसको? तीन साल हो गए मेरे ख्याल से। सर मैं उन्हीं में से एक था। अच्छा, उन्हीं में से एक था, मतलब जब बच्चे थे तो बच्चों वाली फिल्म बनाई, जैसे जवाने आई हनीमून। तो आप प्लीज प्लीज सर बैठिए, प्लीज मौके पर शादी से मुकरने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ए दादी, क्या कर रही है यहाँ पे, नारे क्यों लगा रही है? मैं खास औरत पार्टी से आ रही हूँ बिट्टू। तुझे पता नहीं है, आज हम सब औरतों ने मिलकर मोर्चा निकाला है। मोर्चा निकाला है? हाँ, वॉश बेसिन में कचरा फंसा, वो निकाल जाके काम आए, घर की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो। और कौन सी औरतों ने मिलकर मोर्चा निकाला? अकेली ग्रुप औरत बनके घूम रही, बाकी की औरतें कहाँ हैं? वो क्या है, वो पड़ोस में सारी की सेल लगी हुई है ना, एक पे दो दो फ्री मिल रहे हैं, तो थोड़ी वहीं घुस गई है, बस अभी आती होगी। तू लेकिन मैं इस मर्द को हरगिज नहीं छोड़ूंगी बिट्टू। अरे उसने क्या किया है? क्या नहीं किया है ये पूछ। क्या नहीं किया है? क्या गलत किया है? पहली फिल्म से क्या करता आ रहा है? क्या किया है? लव डीप और धोखा। रागिनी का एमएमएस। शैतान कहीं का? दादी तो फिल्में हैं। अच्छा फिल्में हैं। काय पोचे में किसकी पतंग काट रहा था तू? दादी कुछ नहीं, फिल्म्स होती हैं, ऐसे लोग लिखते हैं कैरेक्टर, मैं बस करता हूँ। अच्छा, तो सीधा सा आदमी हूँ। कोई सफाई नहीं चलेगी, ये भोला भोला चला मुझे मत बता, ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं किए मैंने, लड़कियों को परेशान करता रहता है। ये देखो मेरी बहन सम्मान बच्ची। हाँ मेरी बच्ची कंगना, ये देखो बेचारी को, ये इतनी मासूम नन्नी मुनी, अंदर कर अच्छा नहीं लगता, इतनी प्यारी बच्ची है, इसको छोड़कर चला गया। अरे ये बच्ची इतनी टैलेंटेड है कि आज तक महेश भट्ट और मधुर भंडारकर इसका पीछा नहीं छोड़ रहे, ये छोड़कर चला गया। बोलो छोड़ूलाल, छोड़ूलाल। मुझे पता है तेरी इसे छोड़ने के चक्कर में हम शरीफ औरतों को शराब पीना पड़ता है। कंगना आ जा मेरे अंगना, ले दो चार तू भी ढकर ले अंदर। आज हम इससे वो सब कराएंगे जो इसने तेरे साथ कराया था, मतलब इससे बदला लेंगे हम इससे। ठीक है, क्या आप करने वाले हो दादी? है? क्या करने वाले हो? क्या तू बोल, क्या 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 सजा लेनी चाहिए बोल। इसने फिल्म में मुझे एयरपोर्ट पे बुलाया। हाँ? और खुद चला गया रेलवे स्टेशन, और जब मैं गई रेलवे स्टेशन तो पहुंच गया एयरपोर्ट। अच्छा, अभी इसको बस स्टैंड में बुला के आप रेलवे स्टेशन चले जाओ। कैसे लोगे बदला उसने? इस नचाते इससे, इससे नचाते। आप थोड़ा साथ नाचो ना। अरे तुम, आज हम देखेंगे तुझे नाचते हुए, चल आ जा कंगना। नचाओगी? ले ले दो गोट इज्जत की, ले चल नाच। बस पहला पड़ाव पार कर गया बच्चा। ये तो ठीक है, चल
चल अब मेरी खूबसूरती पर शेर बोल। है? हाँ एक शेर है मेरे पास आपके लिए। पान कोई खाए ना खाए गुलकंद सबको पसंद है। हाँ। पान कोई खाए ना खाए गुलकंद सबको पसंद है। वाह। इमारत भले ये पुरानी है लेकिन बुनियाद बड़ी बुलंद है। चूज किया ना मैंने शादी के लिए। नॉट दैट बच्चा सुधर रहा है, बच्चा बहुत सुधर रहा है। हाँ, अब आए ना उठ पहाड़ के नीचे, हम आज की नारी है। अगर हमें इज्जत नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेंगे, मान नहीं मिलेंगे, छीन लेंगे हम, समझा? तालियां छीन मिलेंगे हम। क्या बात। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम सुधर रहे हो, इसलिए घर आए हो तो कुछ तो मिलेगा तुम्हें, शगुन की पप्पी ले ले। ये विकास, ये कैसे फटी? हाँ हनीमून चले, पार्टी की हनीमून। तू क्यों उदास है, तुझे भी मिलेगा बस। दादी, अभी तेरे अंदर का दादा जाग रहा है, निकले तू। गलत हरकत नहीं करनी। बाय दादी। भाई मैं सो सॉरी दादी के मिस बिहेव के लिए, पर आप कुछ कर नहीं सकते। नहीं कुछ नहीं कर सकते। आप उस मिस दादी को मिसेज बनाओ तभी उनका मिस बिहेव बंद होगा। मिसेज बनी तभी तो दादी बननी, तो हम लोग लकी ड्रॉ में से थोड़ी निकले। शर्मा जी हंसिया ये गधे को लेकर क्यों घूम रहा है? अरे शर्मा जी कमाल करते हैं, गधा नहीं भैंसिया है। भैंस से ही पूछ रहा हूं। एक मुसीबत गई दूसरी आ गई। शर्मा जी हम मुसीबत नहीं है, हम मुसीबत में हैं। आई एम इनटू मुसीबत। अरे शर्मा जी क्या बताएं आपको, क्या ट्रेजेडी हुई है हमारी लाइफ में। हुआ क्या है? अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, बता रहे। देखिए क्या है कि हमारी शादी फिक्स हुई। हाँ हमारी शादी फिक्स हुई। ये प्रॉब्लम बता रहा कि शेर पड़ रहा है? आगे बता रहे हैं, हमारी शादी फिक्स हुई। पर हुआ क्या कि हमारी शादी के कुछ दिन पहले ही हमारी जो बीवी है, होने वाली बीवी, वो हमें छोड़कर अकेली हनीमून पर निकल गई शर्मा जी। अब क्या करे, वो भी तीन जने थोड़ी ना जा सकते, वो क्या करती है, अकेली चली गई। शर्मा जी तीन जने काम भैंसिया को लेकर थोड़ी ना जा रहे थे, आप भी कमाल कर रहे। मैं भैंस की तो बात ही नहीं की, तुम्हारी कर रहा हूं, तुम ग्रुप आदमी हो। शर्मा जी सिर्फ हम जा रहे थे, मतलब हम जा रहे थे हमारी होने वाली। अरे आपको पता नहीं, यही है हमारी जिससे शादी होने वाली थी वो यही है। मेरे भाई ये तेरी होने वाली बीवी नहीं, ये कंगना है। कंगना ये क्या बता रहे हैं आप हमें, ये आप हमें बता रहे हैं? प्लीज टेल मी समथिंग दैट आई ऑलरेडी डोंट नो। अरे इनके रग रग से वाकिफ है, हम पूरी कुंडली देखी हमने, तभी तो हमने शादी के लिए हाँ की थी। अरे इनके लिए क्या क्या नहीं किया हमने, हमको जब पता चला कि हमारी और इनकी हाइट में 7 इंच का फर्क है तब हमने ये उगाया। फिर हमको किसी ने बताया कि ये कैटवॉक में बड़ी फेमस है, तो इनके लिए स्पेशली
हमने डॉग वॉक सीखा। दिखाते हैं आपको। करके दिखा, करके दिखा। ये पहली बार हुआ है कि कॉमेडी जॉनर्स में हाथी कुत्ते की तरह चल के बता रहा है। अरे हम तो शादी के लिए एकदम तैयार थे, फिर एक फ्रेंड ने हमको बताया कि शादी में जो है कि हनीमून पे दूध पीना पड़ता है, तो इसलिए हम अपनी बहसिया को लाने चले गए। तो जब फ्रेश दूध पियेंगे, अब वहां पर पहुंचे तो क्या देखते कि हमारी बहसिया नाराज होके पता नहीं कहां निकल गई। तो वो उसको छोड़ के किसी और से शादी करोगे, वो तो नाराज होगी। शर्मा जी, आपसे बात करना ना बेकार है, इट इज फुजूल। देखिए, अब आप जरा साफ साफ हमें बताइए कि आप हमें छोड़कर ऐसे आदमी को छोड़कर, सोचने वाली बात है। सोच रहा हूं ऐसे आदमी को छोड़कर आप अकेली हनीमून पे बाई। देखिए, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, जो हुआ वो हुआ। लेखा जी, लेकिन हम हनीमून पे अकेले जाना चाहते थे और ये बहुत जरूरी था हमारे लिए, हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस के लिए और हमारी कहानी के लिए। बट बाई, अबे हनीमून कर रहा है, तेरे को पता भी है हनीमून होता क्या है? अरे कुछ तो होता है, कहीं तो होता है, सारे शहर के लोग जाते हैं, हम भी जाएंगे हनीमून पर। और देखिए, इस बार आपको साथ चलना होगा, आपको हमारे साथ चलना होगा। अगर आप नहीं चलेंगे, अगर आप अभी भी ना कहेंगे, तो हम अपनी किलर स्माइल आपको दिखा देंगे। और वो एक बार किसी ने देख ली, उसके बाद कोई ना नहीं कह पाता। डायरेक्टर साहब को दिखा, डायरेक्टर साहब को उधर, किलर स्माइल देखिए, फिर ना नहीं कह पाएंगे। अरे ये तुम्हारी सगी बहन से, तुम्हारी स्माइल कितनी मिल रही है? अरे भैंस को पासपोर्ट क्यों लगाया हुआ है? अरे तो तैयारी थी ना जाने की, तो पासपोर्ट गलत मिला है, वीजा कहाँ लगाते हो? देखिए, अब भैंस लेके हमारे घर में घुसा है, कमाल के आदमी आप। हमारे घर में मेहमान आए, पता कितने कितने बड़े बड़े लोग आए, और डायरेक्टर आए हुए हैं फिल्म के। आप डायरेक्टर हैं? अरे कमाल है, तो हम आपको इंप्रेस करने के लिए डायरेक्टर साहब को आपको आपको डांस दिखाते हैं। क्या कहें, डांस देखें? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.